हेलो दोस्तों, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। हेलो दोस्तों, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है। इससे जुड़े हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का 51वां संस्करण है। सुपरस्टार रजनीकांत को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रजनीकांत इस अवार्ड को पाने वाले 12वें दक्षिण भारतीय कलाकार हैं। ये अवार्ड भारतीय सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड है। सबसे पहले इस अवार्ड की घोषणा 1969 को की गई थी। इस अवार्ड में 10 लाख की धनराशि दी जाती है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है। सबसे पहले इस अवार्ड को दीपिका रानी को दिया गया था। ये अवार्ड केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम धुंधी राज गोविंद फाल्के है। दादा साहेब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि एक मूक फिल्म थी, और इनकी पहली बोलती फिल्म आला मारा थी। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से ये लास्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट